नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन सिटी फाइट्स में। आज हम आपको लेके चल रहे हैं ईस्टर आइलैंड में, जो कि ड्रैगन सिटी का नया आइलैंड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 150 जेम्स ले सकते हैं। सबसे पहले ये आपके पास जो ड्रैगन आया है, इसको आप चलाते रहिए और धीरे धीरे आपके पास एमरल्ड्स, ये एग्स जो हैं क्रैक होने के लिए आ जाएंगे। जैसे एमरल्ड्स आ रहा है, अब नेक्स्ट अगर आप 55 के ऊपर लेके जाएंगे तो आपके लिए ये ओपन होगा टू कीज वाला। इससे आप अपने मिसिंग ड्रैगन रेस्क्यू को ले सकते हैं। नेक्स्ट गोल्डन टोपाज एग। धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हमारे पॉइंट्स के और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जैसे 120 पॉइंट्स ये हमारे से ले लेंगे। अब ये की मिल गई है हमें, इसकी से हम नया बनी ड्रैगन भी रिलीज़ करा सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए ये सिर्फ 30 पॉइंट्स ही कंज्यूम करता है। ये वाला है जिसे आप खोलेंगे, इसी में हमें जेम्स मिलते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप 150 जेम ले सकते हैं। पहले हम इन्हें इनकाउंटर कर लें। इनकाउंटर करके इनसे फाइट करेंगे। ये फाइट करके ये पहला ड्रैगन तो बहुत ही आसानी से मिलने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें कॉइन्स कंज्यूम नहीं करने पड़ते हैं। इसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी धीरे धीरे। इसमें थोड़े से टाइमिंग्स होती हैं जो चलती हैं। पहले तो मैं अपना ये ड्रैगन बार ड्रैगन ले लिया था, और देखिए जैसे कि इसमें एक घंटा बचा है, उससे मेरे अभी 295 जेम्स कॉइन्स बच गए हैं। इन कॉइन्स से मैं अभी नेक्स्ट बनी ड्रैगन को चला लेता हूँ। देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। जोकर ड्रैगन के 10 पॉइंट्स हैं, जो कि मेरे पास पहले ही अवेलेबल है। अब हमें ईस्टर एग का नया मिलेगा एमरल्ड एग, ये भी मेरे पास काफ़ी हो चुके हैं। 65 लेकर मैं अब फ्रूट ले लूँगा आगे फूड पॉइंट के लिए। सिर्फ 18,000 ही मिले हैं, कोई बात नहीं। ये वाला जो ओपन करते हैं, इसी में ही हमें 150 जेम्स मिल सकते हैं। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे, देखते रहिए इस वीडियो को कि कहाँ पे जाके आपको 150 जेम्स मिलेंगे। ड्रैगन सिटी इतनी जल्दी भी आपको 150 जेम नहीं प्रोवाइड करता। ये देखिए मेरे पास कलेक्शन क्या क्या हो चुकी है। तो पास एक तो है ही है, इसको मैं सेटल कर देता हूँ कहीं कहीं, यहाँ पे लगा देते हैं। गोल्डन अच्छा लगता है इस पर। एमराल्ड 3 है, ये भी लगा देते हैं इनके आसपास। मैं लगा देता हूँ इसके राइट। नेक्स्ट वाला भी इसके लेफ्ट में चचा देते हैं, यहाँ पे अच्छा लगेगा। अब एक और बच गया है, इसको भी साथ में लगा देते हैं राइट में। देखिए पहले वाले में से मुझे सिर्फ 4 मिले हैं ईस्टर एग्स के लिए। जैसे जैसे इन्हें कलेक्ट कर लेंगे, इससे भी हमें ड्रैगन्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बनी है बनी ड्रैगन, बस एक घंटा और पड़ा है, मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। चलिए अब देखते हैं आज ईस्टर एग में मेरे बनी वाले जो फाइट्स रहती थी उनको पूरा कर देते हैं। लास्ट फाइट रहती है मेरी, इसको मैं अपने पहली ड्रैगन से ही ख़त्म कर देते हैं। कई बार क्या होता है, ये देखिए 37 लेवल पे है, कई बार यही हमें मार जाता है, ठीक है ना। अब 145 में पहला ड्रैगन मेरा मिल चुका है, इसको बोलते हैं ईस्टर ड्रैगन। ईस्टर ड्रैगन मिल चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा 150 जेम्स भी आपको कैसे मिलेंगे। उसके लिए पहले बनी ड्रैगन को आगे चला लेते हैं। बनी ड्रैगन से मुझे आज एमरल्ड एग और मिल चुका है, और मेरे पास सिर्फ 30.5 बचे हैं। ये हर 8 आवर्स के बाद हमें मिलते रहते हैं, तो हर 8 आवर्स की हमें वेट करनी पड़ती है। जैसे कि सुबह के 12 बजे से लेके फिर
शाम को सुबह के 8 बजे तक मिलता है, 8 से लेके फिर शाम के 4 बजे के बाद, फिर 4 बजे से लेके फिर रात के 12 बजे तक ऐसे ऐसे वेट करके हमें 600 के करीब मिल जाते हैं। अभी मैं फिर एमेरल्ड जैक को अपने आइलैंड पे लगा लेता हूँ, इनको सेट कर लेता हूँ जो जो मुझे मिले हैं। देखिए नेक्स्ट में कलेक्ट किए थे 635 पॉइंट मिल गए थे, अब बनी ड्रैगन को ही आगे चलाते हैं। मैं देखते हैं और कहते हैं बनी ड्रैगन 110 से इसमें पॉइंट्स मिलते हैं, और भी ऑर्ब्स मिलते हैं। ये वर्म ड्रैगन के ऑर्ब्स मिले हैं 20, अभी कोड मिलेगा सिर्फ 25,000 मिला है। अब इसमें जेम्स मिलते हैं, ये ध्यान से देखने वाले होते हैं क्या इसमें मिल पाते हैं। नहीं, सिर्फ 2 जेम्स हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें ड्रैगन्स के ऑर्ब मिलेंगे, डबल नेचर ड्रैगन के सिर्फ 5 ऑर्ब्स मिलेंगे। तो मेरे पास पूरे कलेक्शन है नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे इकट्ठा कर लेंगे, हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये इतने सारे ड्रैगन हैं, अभी सिर्फ एक ही क्लेम कर पाया हूँ। धीरे धीरे जैसे कलेक्शन होगी हम वैसे वैसे ही चलेंगे। कोई ऐसी गलत चीज़ें इस्तेमाल करके मैं पॉइंट्स नहीं इकट्ठे करता, ना ही जेम्स इकट्ठे करता हूँ, ना ही किसी इलीगल तरीके से, सिर्फ जेन्यून तरीके से ये गेम खेलता हूँ। उसी वजह से मज़ा आता है। जैसे कि अब मेरे 930 पॉइंट्स बने हैं इसमें, तो मैं बनी ड्रैगन को आगे चलाता हूँ। ये ईस्टर एग की टोकरी है, तो इसमें मुझे तीनों ही 1-1 मिल चुके हैं एग्स। अब मैं आगे फूड लेता हूँ, ये फूड के आगे जेम्स वाला गिफ्ट है, रिवॉर्ड है, देखते हैं उसमें 150 जेम्स मिल सकते हैं। ओपन करते हैं, नहीं अभी भी सिर्फ 2 जेम्स मिले हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 185 पॉइंट्स दिए और टॉपाज एंड मिला है। देखते हैं, बिल्कुल टॉपाज एक का एक ही मिला है, 250 रह गए हैं कॉइन्स मेरे पास 195 पे। अब मैं नेक्स्ट भी नहीं ना जा सकता, जब तक कीज नहीं हमें आगे मिलती हम आगे वालों पे नहीं जा सकते। ये ऑप्स मिले हैं आइवरी ड्रैगन के मुझे। दोबारा खोलते हैं, मैंने इकट्ठे कर लिए थे 1,350 हो चुके थे। आगे बनी को चलाता हूँ क्योंकि मेरे पास की आ गई है नेक्स्ट की ड्रैगन की। इसको खोल लेते हैं हम, स्टार्टिंग वाले तो इनके पॉइंट बहुत कम होते हैं, सो इसलिए ये आ गया हमारे पास रेडिश ड्रैगन। रेडिश ड्रैगन रिलीज हो गया है, सिर्फ एल का है ये, सॉरी ई का है, ई का 23 स्टेप्स चाहिए इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए। बनी के लिए मेरे पास सिर्फ 4 स्टेप्स रह गए हैं। मैं देखता हूँ कि ये हमारा न्यू एग मिला है जो रेडिश वाला, कुछ लाते हैं क्योंकि इसमें हमें क्लेम करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हमें जो मिलते हैं वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो वाले ज़्यादा मिलते हैं इसमें बॉक्स। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा इनको पहले चला लेना। आर वाले ड्रैगन के 10 पॉइंट्स मिल गए हैं, ऑप्स 10 ऑप्स मिल गए हैं आर वाले। एमरल्ड एक्स, एमरल्ड जैक मैंने इकट्ठे तो कर लिए लेकिन अभी तक कोई ड्रैगन उनका मिला नहीं मेरे को। और मिल गए हैं मेरे को, बिफोर 75 पॉइंट्स बचे हैं। इसको भी चला लेते हैं, 75 से 45 रह गए हैं। तो पास एड मिल चुका है, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए 225 चाहिए, और ले सकता हूँ मैं।
वीआर के भी ऑप्शन, तो बहुत ही अच्छा रहता है कि जो आपके पास ड्रैगन नहीं होते आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने अलायंस में, पर उनके लिए आपके पास ऑप्स होने चाहिए। ये सारी ऑप्स की वजह से आप अपने इनकम्प्लीट ड्रैगन्स को भी पूरा कर सकते हैं। मैं देखता हूँ स्टोरेज में कितने बचे थे, देखे मैंने सारे यहाँ लगा लिए थे जो मिले थे अभी तक। अभी मेरे पास टोपाज़ है और एमराल्ड के दो हैं, तो ये भी मैं यहीं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर लगा देते हैं, बहुत बढ़िया। अभी एमराल्ड रह गए हैं दो, इनको भी सेट कर देते हैं। पुलिस मिट्री से बनी रहती है तो इसीलिए मैं एक ही जगह पे लगा रहा हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हैं वैसे तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे यहाँ अच्छा लगा। आइस वाले आइलैंड पे तो मैं ही नहीं लगा रहा था, अपनी अपनी चॉइस होती है। देखिए मैंने सारे यहीं पे लगा दिए हैं, अब दोबारा चलते हैं नया रेडिश ड्रैगन को देखते हैं। 45 है, उसे इकट्ठा कर लेते हैं हम। एमराल्ड एक 65, न्यू ऑप्स आएंगे किसी ड्रैगन को देखते हैं। अभी तक 150 जेम्स भी मिले, ये ग्लॉपी ड्रैगन है, ग्लॉपी ड्रैगन यहाँ से मिल सकते थे, कोई बात नहीं। क्योंकि हम ट्राई करते हैं आपको बताते हैं। हाँ हाँ, जैसे आपको 150 जेम्स मिलेंगे, 150 जेम्स के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देख कर ही है ड्रैगन सिटी फाइट्स में। सबर का फल मीठा ही होता है, तो हमें जल्दी ही 150 जेम्स मिलेंगे। दोबारा मैंने कलेक्ट किए 690 पॉइंट्स, मैं आपको काट काट के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको 150 जेम जल्दी से जल्दी बता सकूँ कहाँ पे मिलते हैं। तो अभी तो सिर्फ ऑब्स वगैरह अपने ड्रैगन वगैरह के लिए मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, ये सारे जोकर ऑब्स वगैरह के लिए देख के चलने पड़ते हैं, क्योंकि कॉइन्स हमारे पास सिर्फ सीमित ही होते हैं। तो उस हिसाब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं ये एग्ज वगैरह उनको ले लेते हैं। ये देखिए अब आ गए हैं मेरे पास 150 जेम्स। अब मैं बताता हूँ आपको ये जेम्स कहाँ से मिले। ये देखिए, ये न्यू ड्रैगन का टाइमर मिला हुआ है हमें, बनी थ्रोअर ड्रैगन। जी हाँ, बनी थ्रोअर ड्रैगन के थ्रू आपको मिलेंगे। मैं बताता हूँ ये देखिए कौन से पॉइंट पे मिले हैं। ये मैंने पहले ही चला दिया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ पे, सेवन्थ पे आते ही आपको 150 जेम्स मिलेंगे बनी थ्रोअर ड्रैगन में। ठीक है, 150 जेम्स, जी हाँ मुझे मिले हैं 150 जेम्स। अब मैं इसे आगे और करता हूँ, 150 जेम्स मिल चुके हैं। देखिए दोस्तों, बनी थ्रोअर ड्रैगन का जो अभी आपके पास आ चुका है, ओपन है, वन डे 15 आवर्स रह चुके हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी आप पहले इसी को चला लीजिए। इसके सेवन्थ पॉइंट पे आपको 150 जेम्स मिल जाएंगे। मैं अभी आगे आगे चला लेता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े से ही बचे हैं। तो दोस्तों देर ना कीजिए, जल्दी से अपना ईस्टर एग वाला खोलिए और अपने 150 जेम्स की वेट मत कीजिए। सबसे पहले इसी को ही आप कंप्लीट कीजिए और पाइए। ये देखिए मेरे पास 272 जेम्स हो चुके हैं टोटल, बिल्कुल जेन्यून तरीके से पाए हुए। मैं अपने एग्स को इतने सेट कर लेता हूँ। आप देखते रहिए ड्रैगन सिटी फाइट्स, न्यू अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए।